दुनिया में एक ऐसे फेमस साइकिक थे जो इंसानों के हाव भाव और चाल देखकर उनका भविष्य बता देते थे। उन्होंने हिटलर के बारे में ऐसी बात बोली थी कि हिटलर ने उनकी हत्या करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन सोवियत की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। उस इंसान का नाम था वुल्फ मैसिंग। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वुल्फ मैसिंग का जन्म पोलैंड के एक यहूदी परिवार में हुआ था। मैसिंग के माता पिता उन्हें एक रबाई बनाना चाहते थे। रबाई का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो यहूदियों को धार्मिक पढ़ाई करवाता हो। लेकिन मैसिंग को इन सभी चीजों में लगाव नहीं था। वो बचपन से ही अजीब चीजें करते रहते थे। वुल्फ मैसिंग एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। जैसे ही एक इंस्पेक्टर टिकट चेक करने आया तो वो ट्रेन की सीट के नीचे छुप गए। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने उन्हें देख लिया और उनकी शर्ट के कॉलर को पकड़कर ऊपर की ओर खींचा और उसे टिकट दिखाने को कहा। मैसिंग के पास टिकट तो था नहीं, लेकिन शक्तिशाली दिमाग था। जब इंस्पेक्टर की नजर दूसरी तरफ थी, तभी मैसिंग ने वहां पड़ा एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देखा और उसे उठाकर इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर ने उस टुकड़े पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि मैसिंग ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन वो एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा था। उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने मैसिंग से कहा कि जब उसके पास टिकट था तो वो क्यों छिप रहा था, और ये कहकर उसने मैसिंग को सफर करने की इजाजत दे दी। इस घटना को देखकर मैसिंग को लगा कि वो इस दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। इस घटना से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ट्रेन में सफर करने के बाद वो बर्लिन आ गए। वहाँ से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत गरीबी से की। वे जूतों पर पॉलिश और झूठे बर्तन धोकर अपना गुजारा करने लगे। कुछ दिन के बाद उन्हें सर्कस में नौकरी मिल गई, जहाँ वो लोगों के बीच काफी फेमस हो गए। वो सर्कस में लोगों के शरीर की चाल और उनके जीवन के बारे में हल्की फुल्की बात जानकर उनका भविष्य बता देते थे। इसे देखकर हर कोई चौंक जाता था। किसी को ये नहीं पता था कि वो आखिर किसी का भविष्य कैसे देखते थे। वुल्फ मैसिंग के कारनामों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। एक समय एक शो के दौरान मैसिंग ने कह दिया था कि अगर हिटलर रूस से युद्ध लड़ने की कोशिश करेगा तो वो समय हिटलर की जिंदगी का आखिरी समय होगा। इसे सुन हिटलर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जो भी वुल्फ मैसिंग का सिर काट कर लाएगा उसे बहुत पैसे दिए जाएंगे। ये सुनकर एक इंस्पेक्टर ने मैसिंग को पकड़ लिया और पुलिस थाने में ले आया। लेकिन यहाँ पर भी वुल्फ मैसिंग ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने थाने में मौजूद सभी को हिप्नोटाइज करके उन्हीं को जेल में बंद कर दिया और वहाँ से भाग कर किसी सेफ जगह आ गए। जब सोवियत यूनियन को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने देश लाने की सोचा, क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। सोवियत यूनियन के प्रमुख स्टालिन ने मैसिंग के लिए एक प्राइवेट जेट भेजा और वे जर्मनी से सोवियत यूनियन आ गए। स्टालिन ने मैसिंग को कुछ नए कारनामे दिखाने को कहा और मैसिंग इस पर भी खरे उतरे। मैसिंग सोवियत यूनियन के सेंट्रल बैंक गए और वहाँ के कैशियर को अपने जाल में फंसा कर कई रुपए लेकर आ गए। मैसिंग ने वर्ल्ड वॉर टू की पक्की तारीख को भी बता दिया था। मैसिंग ने ये भी कहा कि सोवियत यूनियन युद्ध में बर्लिन तक घुस जाएगी। साथ ही उन्होंने स्टालिन को ये भी बताया कि उनकी मौत कैसे और कब होगी। मैसिंग ने कहा था कि स्टालिन की मौत के समय उनकी आंखें पलटने लगेंगी और वो जमीन पर गिर जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था जिस तरह से मैसिंग ने स्टालिन की मौत का जिक्र किया था। कोई नहीं जानता था कि मैसिंग ये कारनामे किस तरह से करते थे, पर अपने कारनामों से ये दिखा दिया कि इंसानों में काफी शक्ति होती है। 8 नवंबर 1974 को वुल्फ मैसिंग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि वो ऐसा क्या करते थे जिससे उन्हें भविष्य के बारे में पता चल जाता था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।